हमारे देश में हर दिन कोई ना कोई त्योहार होता है। बीते दिन जीतिया पर्व बीता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से दशमी तिथि तक जीतिया पर्व मनाया जाता है। यह पर्व 3 दिनों तक चलता है। इस पर्व की शुरुआत नहाए खाए से होती है। नहाए खाए के अगले दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस व्रत को जीवतिया, जीतिया, जीवित पुत्रिका या जीमूत वाहन व्रत भी कहा जाता है। जिनके बच्चे होते हैं वो माएँ अपने बच्चों के लिए, कुछ महिलाएं संतान प्राप्ति और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए ये व्रत रखती हैं। इस साल 28 सितंबर को नहाए खाए था, 19 सितंबर को निर्जला व्रत और 30 सितंबर को व्रत को तोड़ा गया था। त्योहारों के मौके पर आए दिन कोई ना कोई अफवाहें सुनने को मिलती रहती हैं। हाल ही में जीतिया का पर्व बीता, इसी दौरान बिहार के सीतामढ़ी जिले में दुकानों पर पार्ले जी बिस्किट लेने की होड़ मच गई। होड़ ऐसी मची कि सीतामढ़ी में पार्ले जी का स्टॉक ही खत्म हो गया। जानकारी के मुताबिक अब भी लोग इस अफवाह पर यकीन कर रहे हैं। सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया, ढेंग, नानपुर, डुमरा, बाजपट्टी, मेजरगंज समेत कई इलाकों में यह अफवाह फैल चुकी है। अफवाह कब और कहां से फैली ये अब तक पता नहीं चल सका है, लेकिन इस अफवाह की वजह से बिस्किट की बिक्री में अचानक काफ़ी तेजी आ गई थी। गुरुवार को देर रात तक लोग पार्ले जी बिस्किट खरीदते देखे गए। जब लोगों से पूछा गया कि वे उसे क्यों खरीद रहे हैं तो वे बोले कि उन्हें पता चला है कि पार्ले जी बिस्किट नहीं खाने से अनहोनी हो सकती है। दुकानदार ने बताया कि सब लोग सिर्फ पार्ले जी बिस्किट ही मांग रहे हैं। आपको ट्विटर पर इस अफवाह को लेकर कई ट्वीट मिल जाएंगे। जानवी यादव नाम की एक यूजर ट्वीट पर लिखती है कि अनहोनी के बहाने पार्ले जी को बेचो, बेटों को खिलाए पार्ले जी वरना। अनिल कुमार नाम के एक अन्य यूजर ने भी ट्वीट कर लिखा है, बिहार में एक अफवाह फैलने के अनुसार एक औरत के जितने बेटे हैं उतने पैकेट पार्ले जी की बिस्किट खाना है और उतने ग्लास पानी पीना है। अफवाह से किसी को फायदा हुआ हो या नहीं, लेकिन दुकान वालों को और पार्ले जी कंपनी को खूब फायदा हुआ है। वो भी सोच रहे होंगे काश ऐसे ही रोज एक अफवाह फैल जाए। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस अफवाह को लेकर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक रखिए अपना ध्यान। शुक्रिया।